मोदी सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जहाँ झुग्गी वही मकान, कितना दम है नारे में? कुछ नहीं दम है, कुछ नहीं दम है। वो आदमी को भरम में डाल रहा, कहता है कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटा दो, झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा, वो जो सूरज कुंड के बिल्डिंग है वो रहेगा, कांटा से खाने वाला, स्टैंडर्ड रहने वाला, हाय बाय करने वाला। वो जहाँ जाता है, मोदी जहाँ जाता है तो 4 लाख के कोट पैंट पहनता है, और हम लोग के 4 लाख में सालों चल जाएगा जिंदगी नीमक रोटी खा के। वो मशरूम खाते हैं, हम लोग गरीब मट्टी खाते हैं, मट्टी मट्टी खाते हैं। अच्छा, बुरा मत मानिएगा मीडिया वाले लोग भाई, कि वो बहुत घटिया, जब से देश पर बैठा तब से एकदम देश को सत्यानाश कर दिया, हिंदू मुसलमान में लड़वाता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, और अगर ये दिल्ली में बैठ गया तो दिल्ली को तो चाट जाएगा। यही कांग्रेस का राज होता ना, तो आजकल हम देश में चलते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी के हाथ में, मजबूत हाथों में देश है। मोदी जादूगीर है, उसके हाथ में बटन है टिप के, और जीत जाता है। अगर नीमन से जीतना चाहे तो घंटा जीतेगा। सही बात है। अच्छा। बेवकूफ लोग, पब्लिक बेवकूफ है, हमारा जैसा मर जाएंगे मिट जाएंगे, मोदी के तलवा चाटेंगे? उसको भी अल्लाह बनाया है, हमको भी अल्लाह बनाया है, अभी ना अल्लाह डोरी ढीला है उसको, जितना बहकना है बहक ले, और जब रब राम रहीम जब उठ जाएंगे नू, तब उसको पनाह नहीं मिलेगा। वो मरने वाला है, पंख हो गया है, पंख हो गया उसको, वो दिया पर बुझने वाला है। अच्छा। हाँ, लेकिन अमित शाह कहते हैं 50 साल राज करेंगे देश में। अमित शाह तो डकैत है, वो तो डाकू है, डाकू है वो तो, दम सबसे बड़ा डाकू है। हमारा कोई गम नहीं है, कोई डर नहीं है, रब से डर है। रब सबको जिंदगी दिया है, वही मुंह चिरा है, वही हार देगा, वही हम लोग की जमीन पर ले आया है, वही रक्षा करेगा, हमको विश्वास है। दुश्मन लाख चाहे तो कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। जमीन हम लोग का है, हम ही लोग के होगा, या मर जाए या जी जाए। अच्छा, जमीन हम लोग से, यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी कहाँ से ला रहे हो, कैसे? रब दे रहा है, रब दे रहा है, कांदो पी रहे हैं लोग, रब दे रहा है। मोदी से मांगना हमको नहीं है, मोदी है क्या? वो भी कागज के नाव है, हम भी कागज के नाव है, एक दिन उसको भी मरना है, हक है। वो सोना के लिबास पहन लेवे, मशरूम खा लेवे, चाहे जहाज में घुस ले, मगर मट्टी में वो भी दफन होकेगा, हम भी दफन होकेगा। मोदी का कोई लेना देना थोड़ा, ये तो नगर मोदी जब से, मत बोलिए, हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग, मत बोलिए। मोदी सबसे बेकार मालिक था, शीला दीक्षित अच्छी थी, बेटी का नाम है वो, राहुल गांधी अच्छा था, सोनिया गांधी अच्छी थी, यहाँ केजरीवाल बैठा है वो भी अच्छा है, मगर मोदी जैसा आदमी घटिया दुनिया में ना देखे है ना देखे। आप तो खट्टर को हम नहीं जान रहे, बेचारा कैसा है कैसा नहीं, खट्टर को नहीं जान रहे। मोदी के राज्य में रहते हैं खट्टर जी, फरीदाबाद में आती है। हाँ, तो फरीदाबाद में आती जगह, तो खट्टर को भी तो मोदी उसका रहा, भी तो कह रहे हैं नहीं, ये मत बोलो, खट्टर भी तो मोदी के मोहताजे है। अगर वो चाबी जिन्हें घुमाएगा तो नहीं घूमेगा, अगर कह दे सुप्रीम कोर्ट के मोदी एक लफ्ज बोल देवे कि गरीब को मत हटाओ तो नहीं हटेगा, सबको तो वही चाबी लेके बैठा हुआ है। अब क्या कहना चाहोगी सरकार से? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि वो एक कीड़ा नहीं है कि मसल देगा गरीब को, लाखों करोड़ों में आबादी है, एक गो मसलेगा तो 4 गो तैयार होकेगा, 4 गो मसलेगा तो 10 गो तैयार होकेगा, कितना तकलीफ करते करते खुदे मर जाएगा, मारे कितना मारेगा, मगर आंदोलन कम नहीं होगा। आप जाओगे नहीं छोड़कर? नहीं नहीं, एकदम नहीं, हम मर जाएंगे, हमारे बेटा मर जाएगा, हमारी बेटी मर जाए, एक तो हमारा में बच जाएगा। अगर दूसरी जगह सरकार जमीन दे आपको तब भी नहीं जाओगे? तब जाएंगे, जाएंगे, हम तैयार हैं, तैयार हैं, बना के सही मकान, जितना खून पसेना के सब पैसा गहना गुड़िया गांव से जमीन बेच के लेके बनाए हैं, महाभारत दे देवे चले जाएंगे। हाँ, तो तैयार है, उसका चीज है, हम लोग के धोखाधड़ी हुआ है, हम लोग धोखाधड़ी को मानते हैं। मोदी भक्त नहीं है, उनके हाथों में सब कुछ है, समझे? वो चाहेंगे ना तो पल भर में ये स्वर्ग बना सकते हैं। अच्छा, अन्ना तो नरक ही जा सकता है। तो मोदी जी कह तो रहे हैं कि आपको 2022 तक मकान दे दिया जाएगा। मकान कहाँ दे रहे हैं, सिर्फ बोलते हैं, देते नहीं हैं, दे देते तो अच्छा है। अब देखिए पाकिस्तान वाले को लाने के बारे में सोच रहे हैं, और हम लोग को यहाँ से घर से बेघर कर रहे हैं, ऐसा क्यों?
लेकिन आपने सरकारी जो पहाड़ी है ना, इस पे कब्जा किया है? जी नहीं, हम पैसे दे के जमीन लिए हैं, ऐसे नहीं लिए हैं। तो सरकार में तो आपका पैसा नहीं गया? अब गया कि नहीं गया हमें क्या पता, अगर ऐसा होता तो हम लेते ही नहीं। आप कोई सामान लेते हो बाजार से, बिल लेते हो ना उसका, रसीद लेते हो, जमीन लेते हैं तो उसका रजिस्ट्री होता है, बैनामा होता है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा पर्ची मिला था, बोला था ये पक्का हो जाएगा, दिल्ली में आ जाएगा, दिल्ली में कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, दिल्ली में ऐसे ही होता है। तो नहीं, लेकिन बोला गया था, जब लिए थे बोला गया था ये दिल्ली में आएगी, ये दिल्ली है, हरियाणा तो अब पता चला ना कि हरियाणा है, पहले तो पता नहीं था, पहले दिल्ली बताया गया। हाँ, दिल्ली बताया गया था। तो दिल्ली में फिर मिलती जमीन? दिल्ली में बोला कि वो नहीं होता है, रजिस्ट्री नहीं होता है, ऐसे ही जमीन मिलता है। पटौनी तो होती है ना? अब पता नहीं क्या होता है, हमें क्या पता। जो देखो, गरीब लोग जो होते हैं, हर कोई सोचता है कि कम में ही गुजारा हो जाए, किसी तरह ले ले भाई, चलो छत छुपाने किराए से तो अच्छा है। आपका राज्य कौन सा है, किस प्रदेश से? जी मैं गया जिला की हूँ। गया बिहार जी। कितने मीटर में आपका मकान? ये है 50 गज के लगभग। अच्छा, तो अब तो ऑर्डर हो गए सुप्रीम कोर्ट के, क्या मतलब क्या चिंता है आपको, कहाँ जाओगे? चिंता कुछ नहीं है, मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ पे पक्का कर दिया जाए, और अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो पहले बुलडोजर चला दिया जाए, हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं। मकान नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे? यही रहेंगे, अगर जिंदा रह गए तो यही रहेंगे, अगर मर गए तो मर गए, ले जाए मोदी मकान, ये जमीन उठाकर वो अपने सर पे रखे। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। आंटी, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है? अब हुई है, हमें नहीं ना पता था कि धोखाधड़ी बोल रहा है, वो आप आए यहाँ पे, अब हमें क्या पता कि आप मीडिया वाले को पहुँचाओगे कि नहीं पहुँचाओगे, मोदी तक खबर जाएगी कि नहीं जाएगी, यही रास्ते में रह जाएगी, ये पता है हमें? नहीं पता है, इसी तरह हुआ। अच्छा, धोखाधड़ी आपने कुछ केस वेस दर्ज कराए हैं? जी नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कोई मतलब केस दर्ज नहीं कराया? जी नहीं। नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, मुनादी वो तो कराई गई है। लगाए हैं, कहीं कहीं पे लगा हुआ है नोटिस, लेकिन सब लोग तो लड़ी रहे हैं, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है, रोज पुलिस वाले घूमते ही घूमते हैं, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। ये तो आपका फिर कोर्ट की अवमानना हुआ, ये कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे आप? क्यों माने हम, ठीक है कोर्ट का आदेश है, तो पहले भी तो कोर्ट होगा, जब हम यहाँ रह रहे थे 10 घर बना था, 5 घर बना था, 20 घर बना था, 50 घर बना था, तब पर भी तो कोर्ट यहीं थी, उस टाइम कोर्ट वाले को नहीं दिखाई दिया? जब हम घर बनाते थे तो पुलिस वाले आ जाते थे, लाओ भाई पैसा, तब दीवाल उठाना, ऐसे नहीं उठाना, दीवाल तोड़ देते रहे, नहीं तो तोड़ देता था दीवाल, चला जाता था तोड़ कर, मसाला ये खराब हो जाता। उस टाइम भी तो थी कोर्ट, तो उस समय कोर्ट वाले क्यों नहीं आए, उसी टाइम बोल देते, रोक लगा देते कि हाँ बाबू तुम लोग नहीं बनाओ क्योंकि ये टूटने वाली है, हम लोग सही हो जाते। खोरी कॉलोनी कितनी पुरानी है? करीब बहुत पुरानी है, 50 साल से हो गया। अच्छा, मोदी सरकार जो नारा देती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम तो उन पे बहुत भरोसा करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर से बेघर कर दिए हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। जब से बैठा तब से तब बर्बाद कर दिया गरीब को। एक मिनट में हाँ आंटी, ये बताइए जो मोदी सरकार है, जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको ला रहे हैं CNRC करके, हम लोग क्या हिंदू नहीं है? हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं, क्या है हम? हम लोग तो हिंदू हैं सब। अच्छा, हम लोग कहाँ जाएं? जब पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं तो क्या हिंदुस्तान वाले को कहाँ ले जाएंगे, एक ही बार उड़ा दे एकदम, जब हम लोग के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं वो, एक ही बार उड़ा दे कर दिया बापू, अब फिर ये लेके कैद में डाल दिया।